गुड मॉर्निंग, आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम जीसीएस स्कूल। आज हम क्लास फिफ्थ में सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शन के आपको सब आगे के सम सॉल्व करवाएंगे। कल हमने फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन वाले सम्स आपको सॉल्व करा दिए थे, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो वो कैसे सॉल्व होंगे ये हम आपको समझाते हैं, उनको आप ध्यान से समझेंगे और फिर अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13 का ए सम्स। क्वेश्चन 13 का ए सम्स, तो सम्स है हमारा 7 × 1/2 इज इक्वल टू 7 × 7। ये हो गया आंसर। अब हम ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये जो डिजिट थी हमारे पास, ये जो है हमारा, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, होल से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि होल नंबर को जब हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 7/2। तो यानी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जब वो इम्प्रॉपर में चेंज होता है तो ऊपर वाली डिजिट जो है वो बड़ी हो जाती है और नीचे वाली छोटी, यानी न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। तो समझ में आ गया बच्चों, लेकिन इम्प्रॉपर करने के लिए हम होल डिजिट से ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को। ऐसा प्रॉपर फ्रैक्शन में ही होता है, जब यहाँ पे होल नंबर हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में ही न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। आ गया बच्चे समझने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी। बी है 5 × 2/3 यानी 2/3 इज इक्वल टू 5 × 10/3। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि यहाँ भी देखिए, हमने अभी आपको समझाया था कि ऊपर वाली डिजिट चेंज हो जाती है लेकिन नीचे वाली डिजिट जाती है, जो डिनोमिनेटर है वो वही रहता है, उसमें चेंजेस नहीं होते। अब सी क्वेश्चन, सी है 6 × 3/5 इज इक्वल टू 6 × 3 = 18 और 5 × 5 ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है डी, 4 × 5/7 इज इक्वल टू, अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20/7। नेक्स्ट है ई, क्वेश्चन ई है आपका 5 × 7/8 इज इक्वल टू, इक्वल टू क्या आएगा, 5 को हम 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 35/8। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको, क्या आप देख रहे हैं कि ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होता जा रहा है, जिसमें हमारे न्यूमरेटर डिजिट चेंज होती है जबकि डिनोमिनेटर चेंज नहीं। अब है क्वेश्चन एफ, 6 × 1/2 इक्वल टू 6 × 6/2। अब है जी, क्वेश्चन नंबर जी है आपका 3 × 3/4 इक्वल टू 3 × 3 = 9 इज इक्वल टू 3 × 3 = 9/4 ये हो गया हमारा आंसर। एच, क्वेश्चन नंबर एच है 0 × 3/4 इक्वल टू, अब यह देखिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डिजिट हमारी जो है 0 है, तो जब किसी भी डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा
जीरो ही आता है, क्योंकि जीरो कोई डिजिट उसमें कोई नंबर्स वगैरह तो होते नहीं, ना कोई टेबल उसका आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो बच्चों ये हो गए आपके चैप्टर नंबर 4 के फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई वाले सम्स, हमने आज आपको सॉल्व कराए। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनको आपको अपने नोटबुक में राइट करना है। तो टुडेज होमवर्क, डू क्लास वर्क इन नोटबुक। सी यू टुमारो, थैंक यू।